नमस्कार। एक बात करें आपसे। बात करने का मन किया इसलिए मैं कर रहा हूं। बहुत दिनों से एक विचार आ रहा था। मैंने प्रयास किया कि कुछ ग्रंथ भी पढ़े जाएं, कुछ गुरुओं से मिला जाए, संतों से बात की जाए, बुजुर्गों से मिला जाए और उनसे कुछ पूछा जाए कि हम जन्म देने वाला हमें कौन है। आप जानते हैं, एक ही रिजल्ट निकल के आया कि हमें जन्म देने वाला हमारी माँ है। माँ समझते हो ना, जिसके साथ हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, जिद करते हैं, और अगर हम बहुत मॉडर्न हो जाते हैं तो उन्हें वृद्धाश्रम भी छोड़ के आ जाते हैं। वो माँ, मुझे समझ में आया कि जन्म देने वाली माँ है तो हमारा गॉड कौन हुआ। गॉड मतलब GOD, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर। तो जन्म देने वाली जब माँ है तो भगवान भी तो हमारा माँ हुआ। अगर हम उस जन्म देने वाले भगवान को किसी वृद्ध आश्रम में छोड़ के आते हैं, या दिन में उसके साथ झगड़ा करते हैं, या उसके साथ मारपीट करते हैं, या घर में अपनी पत्नी के कहने से या किसी भी कारण से अपनी माँ पर हाथ उठाते हैं, अत्याचार करते हैं, तो आपको लगता है कि हम पुण्य के भागी हैं? बिल्कुल नहीं, पाप के भागी हैं। देखिए ना, जब हमने जन्म नहीं लिया था तो माँ बाप का एक ही इच्छा, विशेष तौर से माँ की इच्छा यही थी कि मुझे बच्चा हो, मैं माँ बनूं। और जन्म लेने से पहले ही माँ ने पूरी व्यवस्था आपकी की। बीमार हुए माँ, आपको गर्भ में ही कैसे सुरक्षित रखा जाए ये प्रयास करने का प्रयास किया। डॉक्टर के लगातार जाना, इंजेक्शन लगवाना, दूध का ख्याल रखना, जॉब में है माँ तो नौकरी छोड़ देना, नौकरी छोड़ के अपने बच्चे का पालन करना और उस बच्चे को फिर बड़ा करना, स्कूल भेजना, खुद स्कूल में लेट हो जाना, ऑफिस में लेट हो जाना, पति की पांच बातें सुनना, सास की पांच बातें सुनना, ससुर से सुनना, लेकिन बेटे को स्कूल में या बेटी को स्कूल में भेजना उसका नित्य कर्म रहा। बच्चा बड़ा हुआ, उसे पढ़ाया, कोई इंजीनियर बना, कोई डॉक्टर बना, कोई अधिकारी बना, कोई विदेश चला गया, और विदेश जाने के बाद तो कमाल कर दिया बेटे ने। ऐसा फर्ज निभाया कि माँ को ही घर में छोड़ दिया। माँ का उम्र 80 साल, खाना कौन बनाए? माँ। बेटा विदेश में बैठा है और माँ घर में बैठी है। दोनों बुजुर्ग बस यही सोच रहे हैं कि एक फोन तो आ जाए। दोस्तों, ये बहुत लंबी कड़ी नहीं है। माँ बाप एक दिन सबको छोड़ के जाना है। मेरा अनुरोध है, चाहे वो कहीं भी रहते हों, अपने माता पिता से रेगुलर टच में रहिए। विदेश में रहते हैं तो, और देश में ही रहते हैं, घर में ही रहते हैं, उनके दुख दर्द को समझिए। ये जान लीजिए, हमें जन्म देने वाला भगवान नहीं है। भगवान हमें कर्म देता है, काम करने की देता है। जैसे कृष्ण भगवान ने महाभारत में कहा, कर्म करते रहो, इच्छा का फल नहीं। लेकिन जब माँ ने हमें जन्म दिया तो इच्छा थी माँ की, वो ये थी कि मेरा बेटा या मेरी बेटी बड़े होकर मेरी मदद करेंगे। हिंदुस्तान में वृद्ध आश्रम की आवश्यकता नहीं है, घर को आश्रम बनाना है। आइए ना, हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि अपने घर को आश्रम बनाएं, अपने माँ बाप को सम्मान दें। मुझे तो यही लगता है, बाकी आपकी मर्जी। एक बात और कहना चाहूंगा, समय है, अपने बच्चों को बोलिए और खुद इस बात की पालना कीजिए, अपने मोबाइल में माँ का फोटो लगाइए, क्योंकि जब पहली स्क्रीन पर माँ का फोटो होगा तो सुबह सुबह आपको भगवान के दर्शन हो रहे हैं। और आप जानते हैं, गॉड जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, जब इनके आपको दर्शन हो जाएंगे तो पूरा दिन ना आपका अच्छे से बीतेगा। याद है आपको, एक बार पिता ने डांटा या कोई कहानी हो गई तो आपको आपने माँ को बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम है। बड़ी से बड़ी समस्या को हल करने वाली माँ है। जैसे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाके अल्लाह ताला भगवान वाहिगुरु को बोलते हैं, उन तीनों का समावेश माँ में है। माँ को मान दें, माँ को सम्मान। अगर मेरी बात आपको ठीक लगती है, इस बात को आगे पहुंचाएं। हम ये चाहते हैं एक ऐसी टीम बनाएं,
जिन बच्चों के साथ माँ बाप रहते हैं या जो बच्चे माँ बाप के साथ रहते हैं उसके बारे में पूरी दुनिया में हमको बताना चाहिए। देखिए ना, जहां देखें वृद्धाश्रम खुल गया है। वृद्धाश्रम उन लोगों के लिए होता है जिनका कोई नहीं होता। अरे जिनका सब कुछ है उनको वृद्धाश्रम की आवश्यकता नहीं है। आइए हम परिपाटी बदलते हैं, माता पिता के साथ रहते हैं, वृद्धाश्रम नहीं घर को आश्रम बनाते हैं। मेरा नाम श्याम सुंदर है, मैं भिवानी में रहता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 9416-4647-48 है। मैं पैसे से रेड क्रॉस सेक्रेटरी हूँ भिवानी के अंदर। बस एक कष्ट था, एक दुख था, एक बात थी जो आपसे शेयर करनी थी। नमस्कार।